पिछले एक महीने में दो बार गैस के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए सरकार का पुतला दहन किया। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राहुल छेमवाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार को अडानी अंबानी की सरकार घोषित करते हुए कहा कि आज देश की जनता महंगाई से त्रस्त हो चुकी है, किसान सड़कों पर है और महंगाई दिन प्रतिदिन चरम पर होती जा रही है। पिछले एक महीने में दो बार 100 रुपए से अधिक घरेलू गैस के दामों में बढ़ोतरी की गई है, जिससे कि गरीब और आम जनता के घर का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है। पहले से लॉकडाउन की मार झेल रहे लोग इस महंगाई से त्रस्त हो गए हैं, लिहाजा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार को तत्काल बढ़ाए गए गैस के दामों को वापस लेने की मांग की है। आसमान को छू रहे सब्जियों से लेके फल से लेके जो आवश्यक चीजें हैं सारी वस्तुएं महंगी हो गई है। दूसरी तरफ किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इस सरकार के कानों में ना दर्द की आवाज रेंग रही है ना उनके दिलों में दर्द जनता का महसूस हो रहा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी का परम कर्तव्य है कि जनता का जो दर्द है उसको इनके कानों तक पहुंचाया जाए आपके माध्यम से। और जनता बहुत त्रस्त हो चुकी है और चंद बड़े कारोबारियों की मस्त। किस तरह का विरोध है और क्यों आज प्रदर्शन करना पड़ा है? देखिए आज ये विरोध जो है जो सरकार द्वारा जो गैस के दामों में बेतहाशा वृद्धि की गई है उन सबको लेकर के आज हमारा यहाँ विरोध प्रदर्शन हुआ है और हम लोगों ने सरकार का पुतला फूंका है और हम लोग इस पुतले दहन के माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहते हैं, चेताना चाहते हैं कि वो जो बड़े हुए दाम है गैसों के वो जल्दी वापस ले और एक आम जनता को इससे राहत दे और अन्यथा सरकार अपना विरोध के लिए तैयार रहे और हम लोग इस तरीके का विरोध प्रदर्शन पूरे देश में करते रहेंगे।